Hello everyone, welcome back. We are doing indefinite integration, and this is one of the very important part of integration by substitution, right? We solve any question of integration using three methods. The first and the easiest of all is what? The method of substitution. So substitution wale method mein bhi ye jo trigonometric substitutions hain, ye kafi important hain, right? Important trigonometric substitutions. Ab isme kis tarah ke condition mein, what would be the substitution, how would you deal with that, ye sari baatein hum discuss karenge aur fir unpe based questions karenge, theek hai? To dekho, jahan tak mera suggestion hoga, aapke paas na mainly teen char tarah ke conditions aayenge jahan ki aap trigonometry se substitute karke usko easy karoge, theek hai? Algebra hoga, but wahan pe aap us algebra ko trigonometry mein convert karne ki koshish karo. Agar a square minus x square aa raha hai, right, this is your first type. दूसरा आपका आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? और तीसरा आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? तीनों में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अच्छा, एक और सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसा मिल सकता है एक्स प्लस ए, या फिर इसको ऐसा कह लो ए प्लस एक्स कह लो, है ना? टेक इट एज ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. You can find it in this manner, or you might find it in this manner, a minus x upon a plus x. ठीक है, तो इस तरह के चार एक्सप्रेशन आपको अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो पहले बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, उसके बाद ये बताऊंगा कि इससे ही सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं, ठीक है? सो अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, राइट, ऐसी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आ रही है ऊपर नीचे कहीं भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर कहीं भी, ठीक है? अगर आसानी से आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है? सो दीज आर दी सब्स्टिट्यूशंस व्हिच इज रेकमेंडेड, ओके? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इट इज रेकमेंडेड कि आप एक्स को यहाँ पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके? सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या कह लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल द सेम, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप एक्स को a tan theta या फिर a cot theta से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अभी बात करूंगा क्यों ऐसा करते हैं, राइट, उसकी बात भी अभी करेंगे. अगर आपके पास x square minus a square आ रहा है ना, तो आप x को a sec theta या फिर a cosec theta से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर इन दोनों में से ये जो लास्ट फॉर्म आ रहा है आपके पास, अगर ऐसा इसमें से कुछ भी आता है, तो आप x को a cos थीटा या a cos 2 थीटा से सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है? अच्छा, अब बात आती है ऐसा क्यों करते हैं, राइट? व्हाई डू वी डू सो, ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या हेल्प मिलती है, एंड दैट कैन बी अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड. देखो, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने में जो चीज, अब जैसे ये ऊपर है तब तो इंटीग्रेट सीधा ही हो जाएगा, है ना? अगर मेरे पास आ जाए कि बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर with respect to dx, so anyone can do that, इसमें तो करना ही क्या है. लेकिन अगर यही वाली चीज आपके पास डिनोमिनेटर में है, राइट, अगर यही वाली चीज आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो वहां पे थोड़ा एक बार को हमें या तो पार्शियल फ्रैक्शन या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना? ऐसे सब्स्टिट्यूशन सोचने पड़ेंगे, या फिर ये अंडर रूट के अंदर आ गया, है ना? ये देखिए कि भैया बताओ ये अंडर रूट के अंदर है, अब क्या करोगे, ठीक है? तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें काम आएंगी, राइट, और उन सबको हमें ठीक से सीखना है. इनिशियली जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो कई बार ना बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इतनी सारी चीजें कैसे ध्यान में रहेंगी, राइट? तो वहां पे मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि उन सबको तुम्हें सीखना है, और फिर तुम उस पर जितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम उस पर कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे, राइट? तुम्हें रियलाइज होगा, अच्छा ये वाला टाइप है इसमें ये होगा, ये वाला टाइप है इसमें ये होगा, राइट? मेनली सिर्फ तीन ही चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन, देन योर पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज बाय पार्ट्स. जस्ट थ्री थिंग्स आर देयर, सिर्फ तीन चीजें, ठीक है? अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी वो सब के सब किस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं. जितने भी स्पेशल इंटीग्रल्स हैं तुम्हारे पास, टोटल नाइन स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, उनमें से छह शायद हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? और बाकी बचे हुए जब हम लोग बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? बिकॉज उसमें बाय पार्ट्स की एप्लीकेशन है. तो चलो देखते हैं आखिर हम ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो, अगर तुमने एक्स को ए साइन थीटा लिया, मैं ये भी प्रायोरिटाइज करूंगा कि इसको प्रेफर करना, दोनों से काम हो जाएगा, बट ए साइन थीटा शुड बी प्रेफर्ड ओवर ए कॉस थीटा, ए टैन थीटा शुड बी प्रेफर्ड ओवर ए कॉट थीटा, एंड सो ऑन, ठीक है?
क्यों प्रायोरिटी देते हैं? क्योंकि सिली मिस्टेक का काफी स्कोप होता है, राइट? इन सब क्वेश्चंस में हम लोग सिली मिस्टेक काफी करते हैं, तो उससे बचने के लिए साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा को आप प्रायोरिटी देंगे. ओके, सपोज कीजिए अगर आपने कॉस थीटा लिया होता तो उसका, मान लो तुमने x is equal to a sin थीटा लिया, तुम्हारा dx by d थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा. और अगर तुमने कॉस थीटा लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होगा, है ना? तो वहां कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करने में परेशानी आती है. ठीक है भाई, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, और तुम्हें इसमें कुछ क्वेश्चन बताता हूँ ताकि इसके वाई को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकें. ये सब्स्टिट्यूशन मुझे उम्मीद है आपने प्रॉपरली अपने नोट्स में लिख लिए होंगे, और आइए इसको यूज करके देखते हैं तो हम इसके वाई पे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी डिस्कस कर पाएंगे कि आखिर हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते क्यों हैं. ओके, सो लेट्स सी हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं, आइए इनको देखते हैं क्या हो सकता है. अब देखो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्म दिखता है? पार थ्री बाई टू. काफी प्रॉब्लमेटिक है ना, पार थ्री बाई टू काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कैसे डील करें? तो हमने सीखा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले कहां से शुरू करें? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेके स्टार्ट करें. सबसे पहले तो यही सीखा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लो? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेके स्टार्ट करो. अच्छा, ऐसा तुम्हें आइडिया कैसे आएगा? ऐसा तुम्हें इसलिए आइडिया आएगा क्योंकि अब तुम जैसे ही कि dx by d theta लोगे, सोच के देखो dx by d theta लोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आएगा? That will be a cos theta, right? Let's say ये expression तुम्हारे पास आई, okay? This expression is i. So i अभी कितना बना देखो जरा चेक करना. तो यहाँ पे तुम्हारे पास x square है, so that will be a square sin square theta, right? A square sin square theta, that is what you will be getting in the numerator, okay? Perfect. अच्छा, अब dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? a cos theta sin theta, a cos theta d theta, है ना? तो मैंने a लिखा यहाँ पे और मैंने लिखा cos theta into d theta. मैंने dx को सब्सिट्यूट करा कहां से? यहां से. dx की जगह पे मैंने क्या लिखा? a cos theta d theta. ठीक है, नीचे क्या आया सोचो जरा. a square है minus x square है. अच्छा, x को तो हमने कुछ लिया है अभी, x हमने क्या लिया है? x हमने लिया है ए साइन थीटा. अच्छा, तो ऐसा करते हैं ए स्क्वायर को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं क्या, है ना? चलो कॉमन ले लेते हैं. ए स्क्वायर है, राइट, और पार थ्री बाई टू है. अब जरा इसको अलग से देख लो, ए स्क्वायर की पार थ्री बाई टू, वुड यू से ए क्यूब वुड कम आउट? आई थिंक यू शुड से दैट. ठीक है, ए क्यूब वुड कम आउट, फैंटास्टिक. तो अब ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो यहाँ नीचे क्या आएगा मेरे पास? यहाँ नीचे मेरे पास आएगा कॉस क्यूब थीटा. बातें समझ में आती हैं आपको? क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा. ए क्यूब इज गॉन, एक कॉस थीटा तुम चाहो तो यहां से कैंसिल करो, यहाँ तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर रह जाएगा. सो दिस इंटीग्रेशन वुड एक्चुअली बी नाउ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज टैन स्क्वायर थीटा. This is what? This is tan square theta. अच्छा भाई, ये तो आंसर नहीं छोड़ सकते. इंटीग्रेशन ऑफ tan square theta, ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसको इंटीग्रेट करने पे tan square theta आता हो? ना, ये तो नहीं है. हाँ, tan theta को इंटीग्रेट करते हैं तो sec square theta जरूर से आता है. तो क्या कुछ ट्रिगोनोमेट्री हम थोड़ी बहुत जानते हैं क्या? सोचते हैं ना, वन प्लस tan square theta हमारे पास sec square theta होता है, तो मैं tan square theta को sec square theta minus one लिखना चाहता हूँ, है ना? यहाँ देखो मैंने एक ब्लंडर कर रखा है, ये डी एक्स का हमने पहले ही काम कर रखा है, ये क्या होना चाहिए? डी थीटा होना चाहिए. ठीक है, सो ये जो आई है बच्चों, राइट, दिस आई इज एक्चुअली व्हाट? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा, व्हिच इज टैन थीटा, राइट, एंड माइनस वन विल गिव मी व्हाट? डी थीटा विल गिव यू व्हाट? ओनली थीटा. नाउ इज दैट द फाइनल आंसर? नेवर, राइट, ये कभी फाइनल आंसर नहीं होगा. फाइनल आंसर हमेशा किस फॉर्म में होगा? हमेशा जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में होगा. थीटा आपकी अपनी अजम्पशन है, आंसर एक्स और ए के फॉर्म में ही होना चाहिए. तो क्या करोगे? देखो, जो तुम्हारी assumptions थी, राइट, ध्यान से देखना, ये आपकी assumptions थी. लॉट क्या उस पर? क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए. सो मैं थीटा को यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं थीटा को बोलूंगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ठीक है, थीटा का तो काम हो गया. अच्छा भाई, टैन थीटा का क्या करें? अरे मैं तो बोलता हूँ ज्यादा टेंशन मत लिया करो. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, tan sin थीटा कितना है? x अपॉन a, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ये कितना बोलूंगा मैं? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा? अब बस वैल्यू रखो ना, काम खत्म करो. tan थीटा इज p बाई b, सो इट इज x अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस नहीं माइनस थीटा है, तो थीटा कितना था साइन इनवर्स था राइट माइनस थीटा, सो माइनस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है. दैट इज व्हाट आई वुड बी सेइंग एज द फाइनल आंसर. इसको मैं फाइनल आंसर रखना चाहूंगा, ठीक है. लेट्स सी इफ वी हैव द आंसर ऑन आवर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर वन का ना एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आखिर इस सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान हो गया क्वेश्चन को डील करना, ठीक है. ऐसे ही सोच के देखो. अब अगर तुम सेकंड क्वेश्चन की बात करो, सेकंड क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन एक्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें ए साइन थीटा लेना चाहिए, ठीक है. ये आप ट्राई करेंगे. थर्ड क्वेश्चन सोचते हैं, थर्ड कैसा दिखता है, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, जहां मैंने क्या सजेस्ट किया था कि x इज इक्वल टू या तो a cos थीटा ले लेना या a cos 2 थीटा ले लेना, है ना. देखो फोर्थ फॉर्म है राइट, a cos 2 थीटा वाला फॉर्म है, ओके. तो आओ चलो इसको भी करके देखें, आइए इसको भी करके देखते हैं. लेट्स टेक इट ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन एंड लेट्स डू इट. ओके, cot इनवर्स के फॉर्म में 1 plus x 1 minus x. देखो एक तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ना अगर जैसे सोचते हुए चलोगे तो थोड़ा इजी रहेगा. जैसे cot इनवर्स मिल रहा है ना, तो मैं अब ये सोचूंगा कि cos के फॉर्म में अगर लेता हूँ तो हाँ ठीक है cos by sin आ जाएगा, है ना. बिकॉज अब यहाँ पे ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट, कभी भी अगर 1 plus x 1 minus x आ रहा है तो आखिर इस तरीके के फॉर्म में हम लोग x को cos थीटा क्यों लेते हैं. ये अब ये तुमने ना ये बेसिक चीजें ध्यान तो रखनी पड़ेंगी ना बेटा. अब ऐसा तो है नहीं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए तो अब भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ मुझे ये समझ में आता है कि अच्छा 1 minus 1 plus cos 2 थीटा ये तो पता है, क्या ये ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा है, और 1 minus cos 2 थीटा ये भी पता है ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा है. तो ये 2 और 2 तो गया, है ना. और अगर ये गलती से अंडर रूट के अंदर होता तब तो और भी बड़ी अच्छी बात होती, तब तो ये काफी अच्छी बात होती. तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती, अंडर रूट ऑफ cot थीटा का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या बोलूंगा मॉडुलस ऑफ cot थीटा. अब यहाँ पे अगर इन्होंने x की वैल्यू डिफाइन कर रखी है कि यहाँ से यहाँ तक है या फिर थीटा कुछ गिवन है, तो वहां पे फिर अकॉर्डिंगली विल कंसीडर कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव राइट. कभी भी एक्स स्क्वायर के बाहर अगर अंडर रूट आता है तो वो हमेशा मॉडुलस x होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर दैट, मैंने कई बार बताया भी होगा, ठीक है. तो अगर ये बेसिक बातें हमें समझ में आती हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए राइट. कैसे स्टार्ट करोगे बताओ. लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज i, ठीक है, cos भी है इनवर्स भी है और एक्सपोनेंट ये आपके पास अंडर रूट भी है ना, पॉलीनोमियल फंक्शन भी है. तो दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. जो सब्स्टिट्यूशंस आपको बताए गए हैं अगर आप उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे यू विल गेट टू द आंसर वेरी इजीली. तो देखो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू cos 2 थीटा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. बताओ dx भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो dx by d थीटा लेते हैं, कितना हो जाएगा sin 2 थीटा राइट अलॉन्ग विद माइनस 2, ठीक है, बिकॉज sin 2 थीटा तो क्या माइनस sin 2 थीटा होगा और 2 थीटा का 2 आ जाएगा. तो यहाँ से मैं dx के बारे में ये कह सकता हूँ कि dx can be substituted by twice of sin 2 theta, okay, twice of sin 2 theta, wonderful. अच्छा भाई और यहाँ पे जब substitute करना शुरू करें तो expression कैसा बनेगा, आओ इसको भी देखते हैं. Integration अभी रहने देते हैं, पहले इस expression को हमेशा simplify करेंगे. Whether you are dealing with differentiation or you are dealing with integration, ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप हमेशा पहले expression को simplify कर रहे हो, only then you are integrating or differentiating. ठीक है, तो पहले जितना हो सके सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफिकेशन में तुम एफर्ट लगा रहे हो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. अगर तुम नहीं लगाओगे तो तुम सॉल्व करने में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील करोगे, इवन इन डिफरेंशिएशन विच इज मच इजियर देन इन डिफरेंट इंटीग्रेशन. ठीक है, वहां पे भी मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ पहले सिंप्लीफाई करो फिर ही डिफरेंशिएट करो. तो इंटीग्रेशन में तो क्वाइट ऑब्वियस सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो चलो देखो ये अभी हमने समझा है, अभी जब इंटीग्रेशन वाला एलिमेंट लिखेंगे तो वहां पे ये कंसिडर कर लेंगे. अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है. तो मेरे पास है cos of twice of cot inverse, और क्योंकि देखो x के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो आप सिंपली cot theta ले सकते हो, है ना. आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x equal to cos 2 theta लिया है, तो कितना आ रहा है 1 plus x 1 minus x कितना आ रहा है cot theta आ रहा है. ठीक है, सो ये आपने cot theta इस तरीके से ले लिया. ओके, सो ये वैल्यू आ रही है. अब आपको तो इतनी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पता है कि cot inverse cot theta कितना होता है, थीटा होता है अगर वो अपने रेंज में है, तो हम इसको थीटा मान लेंगे. ठीक है,
ये कितना आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ टू थीटा। ओहो वंडरफुल, काम नहीं खत्म हो गया। कॉस थीटा तो तुमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, कॉस टू थीटा तो आपके पास कितना था, इट वाज एक्स। ठीक है, अच्छा तो सारी चीजें बड़ी सिंप्लीफाई सी हो गई हैं, और अब तुम यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो मैं अब यहाँ पे आई के फॉर्म में ये चीजें सब्सटीट्यूट करता हूँ। ठीक है, लेट अस सब्सटीट्यूट दिस। अभी इसको ना ट्रिगोनोमेट्री में रहने दूंगा, अलजेब्रा में ला करके मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रिगोनोमेट्री विल कीप थिंग्स सिंपल, सो आई विल यूज ट्रिगोनोमेट्री ओनली टिल दिस पॉइंट। ओके, सो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो कॉस वाला है, ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी कॉस टू थीटा, राइट, दिस इज कमिंग आउट टू बी कॉस टू थीटा, और डीएक्स की जगह पे -2 टाइम साइन 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, तो -साइन मैं बाहर रख देता हूँ और ये 2 साइन 2 थीटा यहाँ अंदर रख देता हूँ, चलेगा ना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब ये क्यों इजी लग रहा है, बिकॉज दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट sin 4 थीटा, आया ना, sin 4 थीटा। अब sin थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, -cos 2 थीटा आता है, और sin a थीटा है तो -cos a थीटा डिवाइडेड बाई ए, है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास कितना आएगा, cos 4 थीटा अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, बिकॉज अल्टीमेटली थीटा हमारी अपनी अजम्पशन है, दैट शुड गो, यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ये ही एक्स के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे फिर देखो अगेन ट्रिगोनोमेट्री की यूसेज है, क्योंकि कॉस टू थीटा चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हें ये कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस 4 थीटा को तुम क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ cos² 2 थीटा -1, और जो अपॉन 4 है वो तो अपॉन 4 है। ओके, फाइनल आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि cos² 2 थीटा, उसको मैं x² लिखना चाहूंगा, सो दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ x² -1/4। ठीक है, by 4। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो फिर से एक कांस्टेंट ही बनता है, तो फाइनल आंसर आप अगर बुक में देखेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए x² by 2 + c', राइट, सी डैश इज एनी न्यू कॉन्स्टेंट दैट यू वॉन्ट टू टेक अप। ठीक है, सो x² by 2 + c' दैट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, राइट, + c' c, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, दिस वन द फोर्थ वन, यहाँ पे 1 + x² से ये हिंट मिलता है कि इसको मैं कुछ इस तरीके से देखूंगा, a² + x² के फॉर्म में देखूंगा, और हमें ये रियलाइज होगा कि अच्छा यहाँ पे हमें x को क्या लेना है, a tan थीटा लेना है ना, दैट इज वॉट वी वुड रियलाइज। ओके, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूशन क्या लेना चाहिए, x = a tan थीटा। ठीक है, तो बताओ dx/dθ तो अपने पास बड़ा फैंटास्टिक सा आ गया, कितना आ गया, dx/dθ अपने पास आ गया sec² थीटा, चलेगा, sec² थीटा आ गया। ओके अच्छा भैया, अब क्या करें, अब dx को कैसे सब्सटीट्यूट करें, dx को सब्सटीट्यूट करेंगे sec² थीटा into dθ से। ठीक है, लेट्स से ये एक्सप्रेशन आपने इसको आई बोल रखा है, तो देखते हैं ये आई कितना आ रहा है, तो आई आ रहा है मेरे पास 1 + tan² थीटा, जिसको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, sec थीटा, है ना, अंडर रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा रह जाएगा, स्क्वायर रूट भी गॉन, और dx की जगह पे क्या आएगा, sec² थीटा dθ, यानी कि sec³θ into dθ। वंडरफुल, डिनोमिनेटर इज व्हाट, डिनोमिनेटर इज x^4 व्हिच इज tan^4θ। ठीक है, tan^4θ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला हम लोगों का उलझ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको सुलझाते हैं, राइट। इसमें देखो sec² थीटा को तो मैं कभी भी टच नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन मुझे sec² थीटा बहुत क्लियरली वहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ sec थीटा के बारे में थोड़ा सोचूंगा कि यार ये sec थीटा को अगर हम किसी तरीके से अलग कर लें, और कुछ ऐसा अलग करें कि हम लोग ना टेन थीटा को जैसी टी लें तो काम बन जाए, है ना, ऐसा सोचने में तो आता है, लेकिन एक ये समस्या ये महसूस होती है कि टेन थीटा को अगर आप टी लेते हो तो dt/dθ विल गिव यू sec² थीटा, बट व्हाट विल हैपन टू दिस sec थीटा, राइट, sec थीटा को, अच्छा चलो थोड़ा और सोचते हैं, है ना,
ऐसा करते हैं कि अगर हम sec थीटा को अगर टी लें तो क्या होगा, sec थीटा को टी लें तो sec थीटा tan थीटा आएगा, उससे भी बात ऐसी बनती भी नहीं दिखती है। डी टी बाई डी थीटा इन दैट केस वुड बी sec थीटा इनटू tan थीटा, उससे भी कुछ बात नहीं बन रही है। ओके, और क्या किया जाए, व्हाट एल्स कैन बी डन टू डील विद दिस सिचुएशन। एक्स की पावर 4 है, हमने एक्स को टेन थीटा लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा आया एंड रूट के बाहर सेक थीटा आया, बिल्कुल सही। और डी एक्स की जगह पे ऐसा हो गया, ये भी सही लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन इसके आगे का रास्ता थोड़ा और सोचने की जरूरत पड़ रही है। चलो सोचते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ जा रही है, डबल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ जा रही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है और नीचे एक्स की पावर 4 है। एक काम अच्छा लग रहा है मुझे, अगर मैं इस पूरे को एक्स से डिवाइड कर दूं। हाँ देखो, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना काफी लेंदी सी कैलकुलेशन आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ये जो एक्सप्रेशन था, ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ अलग से कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि क्लास नोट्स में आपको विजिबल हो। तो ये यहाँ पे ना एक ये अच्छा मुझे लगा कि ये मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या है, एक्स की पावर 4 है, ठीक है, डी एक्स है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर और नीचे ना एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों करता हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने एक्स से डिवाइड किया, जब एक्स से डिवाइड किया तो अंदर अंडर रूट के अंदर जाके 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1, और नीचे एक्स से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, x³। नाउ दिस इज वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे। क्यों अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे ही मैंने टी लिया द वर्क इज फिनिश्ड, राइट। ये देखो dt/dx कितना आएगा, -2 अपॉन x³। आई होप यू आर गेटिंग दैट, ओके। तो बड़े आसानी से मैं बोलूंगा कि -dt/2 कैन बी सब्स्टिट्यूटिंग dx/x³, और फिर ये जो i है ये तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रह गई अब तो, है ना। ये तुम्हारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन कितना है, दिस इज t^(1/2)√t, राइट। और इसके जगह पे कितना आ गया, -dt/2, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ गया तुम्हारे पास, ये एक्स क्यूब भी तो बचा, ठीक है, ये कितना आ गया, -dt/2। तो ये मैं -1/2 बाहर रखता हूँ, और अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इट इज लाइक एनी वन कैन डू दैट। कितना हो जाएगा बताओ, -1/2 एज इट इज है, और ये आ गया आपके पास t^(3/2)/3/2। तो ये अपॉन टू तो कैंसिल होता हुआ दिखता है मुझे, और फाइनल आंसर हमें बोलना चाहिए माइनस, टी कितना था, टी हमारे पास था 1/x² + 1 एंड डिवाइडेड बाई 3^(3/2), ठीक है, प्लस सी करना ना भूलें, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई होप दैट शुड बी दी आंसर, एक बार चेक कर लें क्या। फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे थे, -1/3, और बिल्कुल सही है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि इन्होंने गिवन आंसर दे रखा है। देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, बाहर माइनस साइन है ही है, ये 3/2 एज इट इज रहेगा, x² जो डिनोमिनेटर में है उसकी पार 3/2 है, तो वो आपको क्या देगा, दैट विल गिव यू ओनली x³, ठीक है, बल्कि 3x³, ये 3 भी नीचे है, प्लस सी। सो दैट शुड बी दी फाइनल आंसर, ओके। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आइए, इसको भी देखते हैं, हाउ कैन वी डील विद दिस, ट्राई कीजिए जरा इसको। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्पेशल इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, जब स्पेशल इंटीग्रल पढ़ लेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास अच्छे डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, बट अभी हमने नहीं पढ़ा है तो सोचें तो कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोई स्कोप नहीं दिखता, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो बस एक ही स्कोप दिखता है जो अभी आपके बीच से ही निकल के आया, वो ये कि ये जो हमारे पास x² है +2x है, +2x ये बताता है कि हाँ +1 का स्क्वायर बन सकता है,
तो 10 को ना 1 प्लस 10 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस 10 लिख लेते हैं, और 1 प्लस 9 लिख लेते हैं, राइट। 10 को कैसे लिख देते हैं, 1 प्लस 9, ओके। तो 1 प्लस 9 के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो एक बात ये रियलाइज होती है कि दिस इज डी एक्स अपॉन, इसको देखो मैं लिखना चाहूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें अच्छी लगनी शुरू होती हैं, क्यों, क्योंकि हमें यह ध्यान आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर कुछ है तो x को हमें a tan थीटा लेके आगे बढ़ना है, ऐसा हमने पढ़ा है। अब बोलोगे सर यहाँ तो x नहीं है तो x प्लस 1 है, तो कोई बात नहीं, जो है तुम उसको a tan थीटा ले सकते हो, a कितना है 3 दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे x प्लस 1 को 3 tan थीटा लेके स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन सर्टेनली मेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर। आइए देखिए dx बाई डी थीटा सोचते हैं कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 3 sec स्क्वायर थीटा, यानी कि dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके। इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और x प्लस 1 तो 3 tan थीटा है, डिनोमिनेटर में भी रख के देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ मैंने जैसे ही 3 tan थीटा x प्लस 1 की जगह पर रखा तो ये 3 3 बार गया, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है तुम्हारे पास, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास ऊपर कितना आया, 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आपके पास कितना आया, नीचे यहाँ जब ऐसी आपने x प्लस 1 की जगह पे क्या रखा, x प्लस 1 की जगह पे आपने रखा 3 tan थीटा, तो 3 स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर ये रहा 9, इसको बाहर कीजिए, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप रखेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई यार, ये तो सारी चीजें कैंसिल होती दिखती हैं, है ना। आई जस्ट होप हमने किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करा है, ठीक ही लग रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, आइए आगे बढ़ते हैं देखते हैं जरा, तो ये आ गया मेरे पास, दिस इज 1/3 इंटू डी थीटा। अच्छा यहाँ एक चीज हम मिस कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर था ना, देखो इसका होल स्क्वायर था, कोई मुझे लगा कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं ना, ये होल स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर था। तो एक नीचे तुम्हारे पास ना एक कभी sec स्क्वायर थीटा था, राइट, ये तुमने x प्लस 1 को यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिया, और sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो sec की पावर 4 थीटा होगा, यानी कि एक sec स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और एक तुम्हारे पास ये sec स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। सो अब भी फिर कोई टेंशन नहीं है, ये तो बहुत डुएबल फॉर्म है बच्चों। ये तुम्हारे पास कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग हमेशा लीनियर में पहले लेके आएंगे, कितना लिखेंगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, व्हाट इज दैट, 1 plus cos 2 थीटा, ठीक है, 1 plus cos 2 थीटा, और इसको इंटीग्रेट करने में आप में से किसी को थोड़ी भी परेशानी नहीं होती, d थीटा इज नथिंग बट थीटा, एंड cos 2 थीटा इज व्हाट, cos 2 थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी। बट क्या ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, कभी भी नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे हमेशा, ठीक है। तो देखो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan inverse x plus 1/3, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास 1/6 बाहर है, और यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, tan inverse x plus 1/3, ओके। अच्छा sin 2 थीटा बाई 2, इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 6 को अगर मैं अंदर, चलो बाहर रहने देते हैं, 1/2 रहने देते हैं। तो sin 2 थीटा को मैं किस में लाना चाहता हूँ, sin 2 थीटा को मैं tan में लेके आना चाहता हूँ, ताकि मैं tan थीटा को क्या लिख सकूँ, tan थीटा को मैं लिख सकूँ x प्लस 1/3, ठीक है। तो मुझे रियलाइज होता है, अच्छा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को मुझे क्या रियलाइज होता है, देखो अलग कलर से लिख देता हूँ, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भूल गए हैं तो यहाँ लिख लेना, अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। तो साइन टू थीटा आपको ये रियलाइज होना चाहिए दैट दिस इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो यू शुड रिमेम्बर दैट, एंड इफ यू रिमेम्बर दैट यू यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, ओके। तो देखो साइन 2 थीटा है तुम्हारे पास यहाँ पे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और यहाँ पे तुम सिर्फ रखोगे tan थीटा, तो tan थीटा कितना है तुम्हारे पास, tan थीटा है तुम्हारे पास x प्लस 1/3, ओके, x प्लस 1/3, ओके, और नीचे 1 प्लस सेम वैल्यू,
वन प्लस एक्स प्लस वन का थ्री का होल क्यूब, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो और सॉरी होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी शुड गेट द फाइनल आंसर। एक बार चेक करके देखो आंसर कुछ ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, राइट, टेन इनवर्स एक्स इनवर्स वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। आप आसानी से इस आंसर तक जैसे ही इसको एक्सप्रेस करेंगे, राइट, यू आर ऑलमोस्ट डन विद दिस इक्वेशन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है, विच आई वांटेड टू सॉल्व इट, ठीक है बच्चों, ओके।